हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सबसे पहली बात तो क्या है? चांस है। अब प्रोबेबिलिटी अब हमें मैथमेटिकल टर्म्स में पढ़नी है। हमें ऐसी बात नहीं करनी कि मतलब एक जनरल बात नहीं करनी, हमें सब कुछ मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग देखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें। सबसे पहले एडिशन थ्योरम की बात कर लेते हैं। एडिशन थ्योरम क्या होती है? पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो वहाँ हम एडिशन थ्योरम की बात कर सकते हैं। उसका डी मॉर्गन्स लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए यूनियन बी को कॉम्प्लीमेंट अगर हम लें तो वो किसके इक्वल होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर ए इंटरसेक्शन, अगर देखिए जो अंदर साइन है, अगर कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ तो बाहर निकल के वो साइन उल्टा हो जाएगा। अगर अंदर इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ जाएगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। ओके, उसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो सबसे शायद इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोबेबिलिटी की, अगर जेई परस्पेक्टिव की बात करें कि पी ऑफ ए के बी हो चुका है, मुझे ए की प्रोबेबिलिटी बताने, तो पी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपन इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेस थ्योरम का बेसिक फॉर्मूला है, बेस थ्योरम का ही फॉर्मूला है। बेस थ्योरम जो लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं जेई एडवांस, वो बेस थ्योरम पे बेस्ड होते हैं। बेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। इसके बाद बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी की, जैसे मैंने बाइनोमियल थ्योरम में आपको बताया था सक्सेस फेलियर वाली, नंबर ऑफ ट्रायल्स बताना, नंबर ऑफ फेलियर्स बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन निकालना किसी उसमें, स्टैंडर्ड वेरियंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, बहुत सारी चीज़ें हम उस चीज़ से निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आती है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन बेसिकली क्या होती है? अगर कोई वैल्यू है वो एसोसिएट है प्रोबेबिलिटी से, तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? वो वैल्यू इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी, एम इन टू पी। और बहुत सारी वैल्यूज है तो आप समेशन कर दो कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू इंटू वैल्यू जो नॉर्मल वैल्यू है, तो उनका समेशन कर दो। बहुत ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता लेकिन पता होना चाहिए हमें फिर भी। ओके, इसके बाद मैंने आपको जैसे बेस थ्योरम की, मैं आपको एक बार और अच्छे डिटेल में बता देता हूँ। बेस थ्योरम बेसिकली कहाँ यूज़ करनी है? जैसे कोई हमें तीन सपोज चॉइस दी गई हो, एक वो चॉइस हमने चूज़ की और उससे कुछ रिजल्ट आया, तो वो रिजल्ट यूज़ करके हमें कोई दूसरी प्रोबेबिलिटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। वो एक्चुअली थोड़ा क्वेश्चन बेस्ड चीज़ है, थोड़ा आप जब क्वेश्चन आप करेंगे तो बहुत इजी टू ग्रैस्प कॉन्सेप्ट है। इसके बाद कार्ड्स की, आपको एक बार कार्ड्स के देख लीजिए कितने तरीके कार्ड्स होते हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स, ये सब आपको थोड़ा पता होना चाहिए बिफोर एंड, बिकॉज कई बार क्वेश्चन मेंशन नहीं होता है तो आपको काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए पहले थोड़ा बिफोर एंड पता करके रखें कि किस टाइप के कार्ड्स के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। और या फिर आप, अच्छा प्रोबेबिलिटी में एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम की थोड़ी आप स्टडी कर लें, बिकॉज बहुत सारी लॉज हैं वो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग चलते हैं। वेन डायग्राम से कैसे कर सकते हैं आप? डी मॉर्गन लॉ से डायरेक्ट एसोसिएट कर सकते हैं वेन डायग्राम को। सो इट इज़ वेरी इजी टू लाइक गेट रिड ऑफ दिस चैप्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है जेई में। एंड सेट थ्योरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप जैसे एक लॉ और होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसे यहाँ पे आपको तीन एक्सपेरिमेंट पढ़ने होते हैं जो वहाँ आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। अच्छा, इंडिपेंडेंट इवेंट की बात कर लेते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, तो वो हम स्टडी कर सकते हैं।